तो 2022 भी खत्म होने आ गया है ना। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि यार ये भी साल खत्म हो गया और हमने कुछ उखाड़ा नहीं है। आप लोग को भी ऐसे ही सब ज्ञान देंगे कि कुछ उखाड़ा नहीं, उखाड़ लेते। ये सब उखाड़ के बैठने वाले लोग ही ऐसा सब ज्ञान देते और पब्लिक को स्कीम देते। आप और मैं यहाँ तक टिक गए, इससे ज़्यादा उखाड़ना कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो भाई करते रहते, चलते रहते, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन अगर इसी ज़िंदगी में, इसी साल में आपको कुछ बेहतरीन मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, शायद उसको देखकर आपको बहुत मज़ा आ जाए। या फिर आप ये बोल दोगे कि भाई चलो साल खत्म होते होते हमने कुछ बेहतरीन चीज़ देख लिया और मज़ा आ गया। जी हाँ, मैं आज टॉप 10 का भले वीडियो लाया हूँ, लेकिन 12 ऐसी फिल्में आपको सजेस्ट करूँगा जिसको देख कर आप बोल दोगे कि भाई ये इंडियन सिनेमा को एक एक अलग अलग झंडा गाड़ने का काम करती है ये सारी फिल्में। तो इस लिस्ट में मैंने कोई भी रिमेक्स ऐड नहीं किए, वरना ये तो वही बात हो जाएगी कि RRR2 में अर्जुन कपूर को ले लियो। बट मैं सारे असली कंटेंट की बात करूंगा। नंबर 12 पर रखा है मैंने दो फिल्में, जहां पर पहली जो फिल्म है उसका नाम है लव टुडे। ये एक तमिल की ऐसी फिल्म है जहां पर फोन एक्सचेंज वाला कांड ये लोग करते हैं। एंड सच में उस कांड को अगर किसी ने रियल में फॉलो किया या कर दिया, लाखों घर उजड़ जाएंगे, ऐसा है। बट इट्स अ फनी रिलेटेबल फिल्म जिसको आप बहुत ही भरपूर मजा करोगे। वहीं इसके ऑपोजिट एक और 12वें नंबर पे मैंने फिल्म रखा है, जो कि एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है सीतारामम। बिना चुम्बन चाटे के दिया और बाती के मजबूत लव स्टोरी जो आपको कंप्लीटली डुबा दे। एंड आप एक टाइम को बोल दे कि भाई हमें भी ऐसी आशिकी में डूबना है, फिर आपको याद आता है कि यार मेरी वाली तो बार बार पेटीएम मांगती है। नंबर 11 पर है बॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम है चुप, स्टारिंग दुलकर सलमान। देखो ये फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि जहाँ पर स्टार देने वाले को स्टार देता है हमारा दुलकर सलमान। एंड इसका कंटेंट इतना हटके है कि जिसके अंदर आपको देखने मिल जाता है डार्क साइड ऑफ क्रिटिक्स प्लस सिनेमा 2। तो ये फिल्म को तो बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 10 पर है कनाडा फिल्म जिसका नाम है 777 चार्ली। अब देखो यार, जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो आपको 10 रुमाल लेके बैठना पड़ेगा। हग नहीं देती फिल्म, बट यार आप अपने आंसू को रोक नहीं पाओगे क्योंकि ये इतना इमोशनल फिल्म है। यदि आप डॉग लवर नहीं भी हो तो भी ये फिल्म आपके फेवरेट हो जाएगी। इस फिल्म में जो डॉग है उसने अनन्या पांडे के करियर से ज्यादा एक्सप्रेशन दिए। एंड एक मोमेंट को आप ये भी सोचोगे कि यार डॉग को लेके इतने परफेक्ट एक्सप्रेशन निकाल के प्लस ऐसी फिल्म बनाना कितना टफ टास्क है, तो यार आप मान जाओगे इस फिल्म को देख के। इट्स अ कंप्लीटली इमोशनल फिल्म। नंबर 9 पर है ओडिया फिल्म जिसका नाम है दमन। सच्ची घटना पर आधारित छोटी फिल्म जो दिमाग से मोटी सब्जेक्ट लेकर आती है, जहां पर 150 विलेजेस में से कैसे एक डॉक्टर मलेरिया जैसी बीमारी को निकलवाता है एंड पब्लिक को अवेयर कराता है, ये कंप्लीटली मास्टरपीस फिल्म है। एंड आप क्लाइमेक्स देखकर तो तालियां बजा दोगे। नंबर 8 पर है मलयालम फिल्म जिसका नाम है थलुमला। अब पता नहीं लोग इस फिल्म के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे भाई, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली फिल्म है, इसका लेवल बहुत ऊपर है। 2022 में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। हालांकि स्टोरी सिंपल है बट सिनेमेटिकली मास्टरपीस फिल्म है। क्या लेवल पे इसका एक्शन सीन्स आपको देखने मिलेगा, आज से पहले ऐसे एक्शन सीन्स आपको कोई फिल्म में नहीं देखने मिलेगा जो थलुमला मूवी में देखने मिलेगा। प्लीज इस फिल्म को देखना, भूल के भी मिस मत करना, आप याद करोगे मेरे को। नंबर 7 पर है दो फिल्म, जहां पर पहली जो फिल्म है वो है बॉलीवुड की जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। कामाटीपुरा की ऐसी कहानी और उनकी दुनिया को संजय लीला भंसाली ऐसा पर्दे पे उतारते कि भाई पर्दा ही फट जाता है। क्योंकि जहां बॉलीवुड की फिल्में 50 करोड़ कमाना भी मुश्किल से उनको पार करना पड़ जाता है, वही ये फिल्म 100 करोड़ कमाई थी सिर्फ आलिया भट्ट को लेके। अब कुछ लोग ट्रोल भी करेंगे इस फिल्म को, लेकिन कोई बात नहीं यार, एट द एंड सबने इस फिल्म को देखा है एंड सबने इस फिल्म को माना है कि भाई द स्टोरी, द सेट्स, द सिनेमेटोग्राफी, द परफॉर्मेंस, इनफैक्ट अजय देवगन का कैमियो, सबका सब इस फिल्म में बाप लेवल का था। नंबर 7 पर दूसरी जो फिल्म आती है वो है मलयालम फिल्म जिसका नाम है जया 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 है। अब देखो यार, आपने डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत सारी फिल्में देखी रहेगी, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका जहां पर आपको ट्विस्ट एंड सरप्राइज देखने मिल जाता है, वो इस फिल्म को कंप्लीटली हटके कर देता है। इनफैक्ट आप एक मोमेंट पे सोचोगे कि यार ये फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कहते भी जा रहे यार। इट्स अ बेस्ट फिल्म मेड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। नंबर 6 पर जो फिल्म है हमारी कनाडा फिल्म है जिसका नाम है KGF 2, पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। एंड देखो यार, ये फिल्म ऐसी थी कि यार जिसके लिए साला जान तक दे दे हम लोग, क्योंकि अगर मास फिल्म है ना तो उसका एक ही नाम आएगा, प्रशांत नील। क्योंकि यार ऐसा मास फिल्म निकला कि जिसको हमने सेलिब्रेट करने से रोक ही नहीं पाया। स्टार्ट से लेके एंड तक हम नाचने पे मजबूर हो गए और भाई मेरा तो गला ही बैठ गया था। इट्स अ बाप फिल्म एंड डिजर्व टू बी अ ग्रैंड ब्लॉकबस्टर। नंबर 5 पे जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर बनी एक ऐसी फिल्म जिसको सभी लोगों ने देखा, इनफैक्ट सभी लोगों को दिखाया भी।
ऐसी दर्दनाक फिल्म जिसको देखकर लोग शॉक भी हो गए और शांत भी हो गए, वैसे जैसे सर्कस मूवी को देख के हो गए थे। वहीं मैं नंबर 5 पर एक और फिल्म को रखना चाहूंगा जो कि एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है झुंड। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसको देखकर आप समझ जाओगे कि भाई डायरेक्टर साहब दो साइड की जिंदगी दिखा रहे एंड उनका खेल क्या है वो आपको कंप्लीटली देखने मिलता है। एंड इस फिल्म को देख लोगे तो आप भाई हंसोगे, रोगे और जीवन समझोगे भी। नंबर 4 पर जो फिल्म है वो एक कन्नड़ा फिल्म है जिसका नाम है कांतारा। अब देखो कुछ लोग इस फिल्म को क्लाइमेक्स की वजह से पसंद करते हैं, बट मैं इस फिल्म को स्टार्ट से लेके एंड तक पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी कल्चरल रूटेड फिल्म थी जिसके कई सारे सीन्स में हमें डेप्थ भी देखने मिलते हैं प्लस सिनेमैटिक शॉट्स भी देखने मिलते हैं। एंड भाई इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी का जो परफॉर्मेंस है मरते दम तक कोई भूल ही नहीं सकता है। प्लस इस फिल्म का सक्सेस होना इंडियन सिनेमा में एक बदलाव भी लाता है। नंबर 3 पर जो मैंने फिल्म को रखा है वो है साई पल्लवी की गार्गी मूवी। अब देखो यार इस फिल्म को देखने के लिए आई थिंक बहुत हिम्मत चाहिए एंड जब आप इस फिल्म के क्लाइमेक्स तक पहुंचोगे तो आपके मुंह से ये निकलेगा कि दिस इज डिस्गस्टिंग। मतलब आप शॉक हो जाओगे थोड़े टाइम के लिए एंड सदमे में भी आ जाओगे कि यार जो फिल्म एकदम सिंपल सा चल रहा था उसका एक ऐसा सीन देखकर मेरा रोंगटे कैसे खड़े हो गए और मैं कैसे कांप उठा। आई थिंक यार दिस इज कंप्लीटली मास्टरपीस फिल्म। आप देखना, आप याद करोगे कि मैंने इसको थर्ड पे क्यों रखा है। नंबर 2 पर जो मैंने फिल्म रखी है वो है तमिल की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है विक्रम। भाई हम इस फिल्म के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई ये फिल्म इंडियन सिनेमा पे ऐसा आता है कि सीधा बॉम्ब फोड़ के चला जाता है। यार बेस्ट फिल्म विद बेस्ट स्टोरी विद बेस्ट कैमियो विद बेस्ट इंटरवल बैक विद बेस्ट परफॉर्मेंस, आई थिंक यार बाप फिल्म थी, बाप फिल्म। एंड अगर ये फिल्म नहीं देखा तो घंटा आपने साउथ इंडियन फिल्म देखा है, बोलना भी नहीं कि मैं साउथ फिल्म लवर हूँ, भूल के भी नहीं बोलना। अब देखो नंबर 1 फिल्म ऑफ 2022 बताने से पहले मैं कुछ फिल्मों का स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ जो कि बाप लेवल की फिल्म थी, लाइक रनवे 34, ऊंचाई, मोनिका ओ माय डार्लिंग, खुदा हाफिज 2, मलयालम फिल्म में हृदयम, तेलुगु फिल्म में डीजे टिल्लू, आंटे सुंदरानी की मेजर, कार्तिके 2, तमिल फिल्म में महान, रॉकेटरी, तिरुचित्रम्बलम एंड मराठी फिल्म में धर्मवीर। सो ये सारे भी कातिल फिल्म है जिसको मैंने कंप्लीटली एंजॉय किया था। तो अब मैं बात करूंगा बेस्ट नंबर 1 इंडियन फिल्म ऑफ 2022। हालांकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि यार कैसे एक ही फिल्म रखूं यार, लेकिन मेरा दिमाग में ये दोनों फिल्म नंबर 1 पोजीशन लेने से भाई हट नहीं पाए पीछे। एंड रैंक 1 पे मैंने 2 फिल्म रखी है। पहली जो है वो है RRR ऑफ राजामौली। अब कुछ लोग भले ही इसको नॉर्मल कमर्शियल फिल्म समझते रहेंगे लेकिन भाई साहब इस फिल्म को बनाना खाने की बात नहीं है, और अगर खाने की बात होती तो हर कोई ऐसी फिल्म बनाता। जिस लेवल का इस फिल्म ने दुनिया में धूम मचाया है भाई साहब, इंडियन सिनेमा का वट बढ़ गया है इस फिल्म के वजह से। सो RRR साबित करता है कि एक परफेक्ट फिल्म किसे कहा जाता है एंड इट्स अ कंप्लीटली नाटो नाटो फिल्म ऑफ द ईयर। वहीं रैंक 1 पर मैं एक और फिल्म रखता हूं जिसका नाम है हीरोपंती 2 स्टेरिंग टाइगर, सॉरी क्या करूं, वो भी फिल्म ना दिमाग में ऐसा छप गया ना कि निकलता ही नहीं। बट नंबर 1 पर एक और फिल्म को रखता हूं जो कि एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है जन गण मन। आप बस इस फिल्म को देखने बैठो आप सच में उठ जाओगे, बिकॉज इस फिल्म का फर्स्ट हाफ है ना वो आपको नफरत करने पे मजबूर करा देगा, लेकिन सेकेंड हाफ है ना दैट विल सिंपली ब्लो योर माइंड। इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ बना ही नहीं है, जिस हिसाब का ट्विस्ट है आप बोल दोगे कि भाई ये मैं क्या देख लिया, आप शॉक हो जाओगे, आप हिल जाओगे। प्लस पृथ्वीराज सुकुमारन का जो परफॉर्मेंस है सेकेंड हाफ में, बोलती बंद हो जाएगी यार, बोलती बंद हो जाएगी, भले आप फिल्म देख के उठ जाओगे, आप घूमोगे कि भाई मैं क्या देख ले हो, क्या देख ले हो, वो इस लेवल की फिल्म है। सो ये रहा बेस्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ 2022 एंड हालांकि मैं 10 बोल के 15-20 रेकमेंड करती हूँ, बट यार क्या कर सकते हैं यार, फिल्म भी इतनी अच्छी अच्छी आई थी। सो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी फिल्म पसंद है तो कमेंट कीजिए, लेकिन यार अगर आप लोगों को मेरा लिस्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, इतने बार प्लीज कर रहा है आपका भाई यार, अब तो यार कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।